बॉम्बे की ट्रैफिक। वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आजकल ट्रैफिक जाम की समस्या महानगरों में और छोटे नगरों में भी, छोटे शहरों में भी होते जा रहा है। गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर घर में अगर चार मेंबर हैं तो चार के पास चार गाड़ियां हैं और वो गाड़ी रखने की जगह नहीं है, कार रखने की जगह नहीं है, बट वो खरीद लेते हैं और सभी कार रोड सड़कों को जाम करते रहता है। घर के सामने पूरा ट्रैफिक जाम रहता है और रोड पर भी, आप रास्ते में भी आप देखिए, इतना ट्रैफिक जाम की समस्या है कि उससे छोटे शहर से बड़े शहर ये बहुत बड़ा मुसीबत है। बहुत से उस समस्या से लोग जूझते आ रहे हैं, लेकिन बड़े शहर को यह संकट में रूप में लेने लगा है। कई कारणों से वाहन की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार जितने रोड सड़क हाईवे बन रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से कार की संख्या बढ़ रही है। सभी होड़ लगा हुआ है, सभी गाड़ी नई नई लाने का, और जिसके कारण रोड कम पड़ रहा है, रास्ते कम पड़ रहे हैं गाड़ी के लिए और पार्किंग कम पड़ रहा है गाड़ी को रखने के लिए। तो इस तरह करके अब देखिए ट्रैफिक सिग्नल पर कितना लंबा जाम रहता है। अगर कोई बीमार हो तो आप सोचिए, वो जो बीमार वाला जो उसका जो गाड़ी रहता है एम्बुलेंस, उसको भी रास्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहाँ वो निकलने का या साइड करने का उसको इस पास जगह ही नहीं रहेगा। चार चार तीन तीन गाड़ियों का काफिला पूरा बंद रहता है, तो उसमें तो कहीं निकलना मुश्किल है। इस तरह करके बहुत हमारे फादर भी, हमारे पिताजी भी ट्रैफिक जाम के कारण अपने जान गवा बैठे। हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे, ट्रैफिक जाम में फंस गए और हम लोग जब हॉस्पिटल में ले गए तब तक वो कोमा में पहुंच गए थे। जबकि जब ले जाना शुरू किए थे तो उस समय वो बात कर रहे थे और उस समय लग रहा था उनको भी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा आम समस्या हो गई है। आप देखिए, उसके लिए फ्लाईओवर, अंडरपास कितना बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को मोटर जो वाहन डिपार्टमेंट है, उन लोग को एक रूल सेट करना चाहिए, एक नियम सेट करना चाहिए कि हर फैमिली में इतनी गाड़ी होना चाहिए, इस गाड़ी के बाद अलावा उसको अलाउ नहीं है। इस तरह नहीं होगा तो अब देखिए ये धीरे धीरे और शहर में जाम की समस्या जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है और इससे सभी जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी जूझ रहा है, सभी जो भी इससे जूझ रहे हैं। तो इस तरह करके इन सब से निजात पाने के लिए, ट्रैफिक जाम के से जो है निजात पाने के लिए बहुत तरह की आदमी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अंडरपास बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसके कारण गाड़ी को डाइवर्ट किया जा रहा है, कोई ऊपर से गाड़ी, कोई नीचे से, तरह तरह का रास्ता एक तरह से। तो इस कारण से कि ट्रैफिक कम हो, आदमी इजी वे में ड्यूटी जा सके, हॉस्पिटल जा सके, एयरपोर्ट जा सके, मार्केट जा सके, स्कूल कॉलेज जा सके, यूनिवर्सिटी जा सके, तो इस तरह करके बहुत कोशिश किया जा रहा है।
लेकिन ये समस्या का प्रॉपर हल नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरह करके जो है हम इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली में एक बार ऑड इवेंट का था, मुझे भी ठीक लगा कि ऑड इवेंट में मतलब आधा गाड़ी नहीं चलेगा आधा गाड़ी चलेगा, तो कम से कम वो ट्रैफिक जो है वो इवन वाला ही अगर उसको जाना है तो एक दिन एक गाड़ी ले जाएगा, नहीं तो एक दिन क्या है दो आदमी है तो दोनों दो गाड़ी निकाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या से एक बहुत आराम था, आदमी को निजात था। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल जी ने ये जो निकाला था दिल्ली सरकार ने कि ऑड इवन का जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी ट्रैफिक की समस्या को हल करने में एक कारगर कदम है। ट्रैफिक की समस्या महानगरों में, छोटे शहरों में, यहाँ तक कि जिलों में भी है। जिलों में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ते जनसंख्या और गाड़ी की बढ़ती तादाद के कारण जो है मुख्य मार्ग या सभी बाधित हो जाता है, जिसे आम लोग को भी मुश्किल होता है। इतना पॉल्यूशन हो जाता है जिससे कि खांसी और परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे सांस का रोग। आप सोचिए दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, कारण है कि गाड़ी का पॉल्यूशन गाड़ी के कारण हो रहा है, जिससे छोटे छोटे बच्चे को सांस की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह भी ये जो है जाम की समस्या, खाली जाम से जो परेशानी है वो नहीं है, आदमी का हेल्थ भी इससे इफेक्टेड हो जाता है। सड़क जाम का मुख्य कारण लोगों द्वारा सड़क के किनारे वाहन जो है गलत तरीके से खड़ा करना, दुकानदार अपना सड़क दूर तक अपना जो दुकान है फैला के रखना, और भी जो लोड करके माल लोड करते हैं दुकान के सामने अपना सामान उतार रहे हैं रख रहे हैं, जो सरकारी ज़मीन है जो रोड किनारा वाला है उसको भी अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी मान के उस जगह बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़े कर देते हैं। और या तो वो जो है कई बार तो सामान भी वहाँ साइड में उतार देते हैं, तो आने जाने वाले की भी परेशानी होती है, गाड़ी का भी है ना, जो सही प्रॉपर जा सकता वो भी नहीं जा पा रहा, उसमें भी भीड़ भाड़ हो जाता है। तो इस तरह करके कह सकते हैं कि, और जो दूसरा बात है ये जो दो पहिया है स्कूटर बाइक वगैरह मोटरसाइकिल, वो भी बुरी तरह से ये लोग चलाते हैं, इसके कारण भी ट्रैफिक पुलिस का भी प्रॉपर जो है उसका भी देखभाल नहीं होता, वो सिर्फ एक जगह कहीं बैठ जाते हैं जाके। प्रॉपर तरीके से रेड लाइट में गाड़ी को सही से निकासी, गाड़ी को रोकना, जो गाड़ी गलत उसने नियम का उल्लंघन किया तो उसको जो फाइन लगाना, उसको पेनल्टी लगाना, ये सब अगर करेगा तो उससे क्या होता ट्रैफिक भी, और दूसरा बात है कि ट्रैफिक का रूल है को भी फॉलो करना सबको, कि इधर सिग्नल जो है रेड सिग्नल जंप नहीं करना है, अगर लाल बत्ती आई तो रुक जाना है, हरी बत्ती आई तो चलना है, ये पीली बत्ती आई तो तैयार रहना है, हरी बत्ती आई तो चलना है। तो इस तरह करके दूसरा बात है गाड़ी कम से कम ग्रुप में, अगर एक जगह एक घर से एक सोसाइटी से अगर हम चार आदमी एक ही जगह जा रहे हैं तो आप जो है साथ में जाके आप करके ड्यूटी कर सकते हैं, और उससे क्या होगा आपका पेट्रोल भी बचत होगा और पैसे भी बचत होंगे आपके, और वन बाय वन गाड़ी ले जाइए, जैसे चार आदमी हैं एक वीक एक ले गया, दूसरा वीक दूसरा ले गया, इस तरह करके तीसरा वीक ले गया, चौथा ले गया, तो गाड़ी भी कम चलेगी आपकी, पेट्रोल भी कम जलेगी, पैसे की भी बचत होगी, पॉल्यूशन भी कम होगा, साथ में ट्रैफिक की भी समस्या दूर होगी। तो ये भी एक बहुत कारगर कदम है, आदमी अगर इस पर फॉलो करे, इसको समझे कि हमारा हेल्थ नहीं सभी का हेल्थ, सभी के परेशानी होता है, कॉमन परेशानी है ये, उससे निजात पाने के लिए सभी को मिलजुल के इस समस्या का हल करना चाहिए। ये करके एक तो आपस में आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी, दूसरा बात है कि आप जो साथ में कहीं जाएंगे एक सोसाइटी में रह के अगर एक जगह जाना है तो सब इकट्ठे जा सकते हैं, और उससे आपके पैसे की भी बचत है और आपकी समय की भी बचत रहेगी। तो इस तरह करके इससे भी ट्रैफिक की समस्या दूर किया जा सकता है, नहीं तो पार्किंग का मुश्किल हो रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है,
रास्ते में दो दो तीन तीन घंटा जाम मुश्किल हो रहा है। आज हमारी एक रिश्तेदार है, उसका फ्लाइट छूट गया, वो लोग लंदन जाने वाले थे, वापस बैक आए, उनकी फ्लाइट छूट गई। ट्रैफिक के कारण दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक घंटा तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसके कारण वो एयरपोर्ट पहुंच नहीं सके। इसी तरह मेरा एक बार ब्रदर भी ऐसा था, उसका भी छूट गया था। तो ऐसे समस्या बहुत तरह का, किसी का अगर कोई रोगी ट्रैफिक में फंस जाए तो जान चला जाएगा, कोई अगर यात्री फंस जाए तो उसकी फ्लाइट ट्रेन छूट जाती है, अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम है, ज़रूरी है, या किसी बच्चे का एग्ज़ाम है तो उस कारण उसका एग्ज़ाम छूट जाता है। तो ये सारी समस्या से आम पब्लिक जूझ रहे हैं, तो उसकी सभी की समस्या को इस तरह करके करना चाहिए कि आप लोग जो है सब मिलके जो है जो जहां है उस तरह करके ग्रुप में जाएं, तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है, और ऑड इवन का भी आइडिया बहुत अच्छा है। तो तब तक इतना ही, आप लोग भी सोचें हमारे वीडियो देख के कि ये जो ट्रैफिक की समस्या है, एक दो हमारा आपका नहीं है, सभी का है, सभी का एक समस्या है, जिससे पूरा परिवार, हम, आप, अड़ोस पड़ोस, समाज सभी प्रभावित है। तो इसको कैसे सही करना चाहिए, तो इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। तो आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। तो अब इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारा लिंक आप तक पहुंचे। बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।